सिवान से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू गुदकर हत्या कर दी गई है। मेरे साथ पीड़ित परिवार के लोग मौजूद है। पूरी घटना बताया जा रही है कि देर शाम घटी हुई है, जहां पे गांव के ही बगल के युवक द्वारा चाकू गुदकर हत्या कर दिया गया है। मेरे साथ पीड़ित परिवार के पिताजी मौजूद है। पूरी घटना क्या कुछ घटी है जानने का प्रयास करेंगे। चाचा कैसे का भैया का भैया जानकारी? हम सर ऊपर रहनी है जी, हम ऊपर से आनी है, तो काट दहल बा, खून गिरा था, हम इतने देख ले बनी सर। अच्छा के कट ले भाई? ये सूरज। अच्छा गांव ही के रहे लोग? जी बगले में बड़े। कौन विवाद वगैरह रहा? ना कौन विवाद ना रहा। कौन विवाद नहीं खे? जी ना। ऐसा ही चाकू की हत्या कर दिला? हाँ तलवार मर ले बा। तलवार मर ले बड़ा? हाँ। कब घटना घटल बा? अभी एक घंटा हुई है। गोल एक घंटा? हाँ। का नाम रहा उनका जिनका हत्या भइल बा? सुरविंद गुप्ता। शादी उदी हो गई बा? जी दूगो लड़का बड़ा सन। बिना विवाद के हत्या कर दिल? हाँ। कौन विवाद ना रहा पहले से? ना। का नाम राहुल? हमारा नाम मुन्ना सा। देखिए पीड़ित परिवार के पिताजी थे मेरे साथ बातचीत करने के लिए। अगर इनके द्वारा साफ तौर बताया जा रहा है कि घर के बगल के ही व्यक्ति द्वारा चाकू गोदकर और तलवार मारकर हत्या कर दिया गया है। हालांकि घटना की जानकारी अभी पुलिस को दे दी गई, लेकिन अभी तक फिलहाल एक घंटा होने को है, फिलहाल पुलिस जो है अभी नहीं पहुंची है। देखना होगा इस घटना में शामिल आरोपी को पुलिस जो है कब तक पकड़ पाती है। तमाम देख सकते हैं, तमाम आसपास के लोग भी मौजूद हैं। यहां पे पूरी घटना बताया जा रहा है कि देर शाम घटना घटी हुई, जहां पे गांव के बगल से युवक से विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि युवक के द्वारा तलवार मारकर और चाकू से हत्या कर दिया गया। फिलहाल पुलिस जो है पहुंच कर देखने वाला होगा, पुलिस पहुंच रहे तो क्या कुछ कार्रवाई करती है, कब तक इस घटना में शामिल आरोपी को पकड़ पाती है। लेकिन ये बड़ी खबर जो है बिहार के सिवान से निकल के आ रही है, जहां सिवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव में एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दिया गया है। ये बड़ी खबर जो है दरौंदा थाना क्षेत्र में घटी हुई है, जहां पे देर शाम गांव के युवक से विवाद हुआ और विवाद इतना बड़ा कि गांव के युवक द्वारा तलवार मारकर और चाकू गोदकर हत्या कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि युवक की जो है शादी विवाह हो चुका है, उनकी पत्नी जो है मायके गई हुई है, फिलहाल उनको भी जानकारी दे दिया गया। अब देखना होगा इस मामले में जब परिजन द्वारा दरौंदा थाना में आवेदन दिया जा रहा है तो कब तक कार्रवाई कर पाती है, पुलिस कब तक इस घटना में शामिल आरोपी को पकड़ पाती है, यह चलने समय में पता चलेगा।